नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले एक ऐसी शेयर के बारे में जिसने अपने शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न कमा के दिया है। अगर दोस्तों देखिए दोस्तों, आप इस शेयर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट, आपको इसका मुनाफा काफ़ी अच्छा है उसको दिखने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसका रिजल्ट या फिर इसका क्वार्टरली रिजल्ट हो गया है या फिर इसकी ईयरली रिजल्ट देखें, फिर इसकी सेल्स ग्रोथ देखें तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखने वाली है और काफ़ी अच्छे इसका लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा होने वाला है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कंपनी की प्रॉफिट या सेल्स बढ़ती है तो कंपनी का ग्राफ भी बढ़ेगा, कंपनी का ग्राफ बढ़ेगा तो शेयर की प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कीजिए जिसका सेल्स बढ़ रहा है या फिर उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो इस शेयर में आप डेफिनेटली इसको इन्वेस्ट कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा फायदा यहाँ पे होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर इस शेयर की बात करें तो इसका पी रेशियो देखिए 34 का पी रेशियो, अगर फेस वैल्यू की बात करें यहाँ का उसका 1 का यहाँ पे फेस वैल्यू है। कंपनी की बात करें तो देखिए इसका 52 का CAGR का ग्रोथ जो कि 5 साल का है। कंपनी के नेगेटिव की बात करें तो इसको 10 टाइम्स यहाँ से बढ़ रही है। देखिए दोस्तों, काफ़ी अगर बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है तो इसका रिटर्न या फिर आप बोलेंगे तो इसको 10% 20% ऐसा होने ही वाला है, क्योंकि कंपनी बड़ी है, ऑब्वियसली बात है बाइंग होती होंगी, कम शेयर ऊपर जाता होगा, ऑब्वियसली बात है ये ऊपर ही ऊपर जाने वाले, तो 10 टाइम्स कोई बड़ी बात नहीं। अच्छी शेयर की पहचान है दोस्तों कि वो 10 टाइम 12 टाइम 5 टाइम्स आपको मिलने ही वाला है। कंपनी की अगर बात की तो कंपनी का नंबर जो कि आठवें नंबर कंपनी आती है, और सेक्टर लीडर की बात की तो EPL लिमिटेड नाम का यहाँ पे सेक्टर लीडर यहाँ पे दिख रहा है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, यहाँ पे आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। और कंपनी की सेल्स की बात करिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों 14.6 यहाँ पे सेल्स है जो कि 2018 में, यहाँ पे सेल्स कंटिन्यू यहाँ पे बढ़ती हुई 50, 51, 40, 60, थोड़ा डाउन भी आया था लेकिन फिर से सेल्स ने यहाँ पे ग्रोथ पकड़ी है 43, 70, 80, और यहाँ पे 2021 में यहाँ पे 65 करोड़ में यहाँ पे सेल दिख रही है। तो सेल्स भी थोड़ा अप डाउन है लेकिन जो अभी सेल दिख रही है वो 65 की यहाँ पे सेल दिख रही है जो कि करोड़ में नंबर दिए हुए हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 करोड़, उसके बाद 5 करोड़, फिर 6, फिर 8, फिर 6, फिर 7, 7, 9 और 11, फिर 14, यानी कि अभी कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे 2018 से यहाँ पे ट्रिपल यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। तो कंपनी अच्छे दोस्तों, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर सकते हैं, आगे चल के ये कंपनी आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पे देंगी। और कंपनी के ऊपर CAGR की बात करेंगे, देखिए दोस्तों 10 ईयर में इसने 86% के CAGR से इसने ग्रोथ की है, और 5 साल का CAGR की ग्रोथ देखेंगे आपको 106% काफ़ी अच्छा है दोस्तों। 3 साल के देखेंगे 91%, अगर 1 ईयर के देखेंगे तो 6053 के CAGR से ने ग्रोथ की है। तो अच्छी कंपनी है दोस्तों, डेफिनेटली आप कंपनी के बारे में सोचिए, थोड़ा अपनी खुद की स्टडी कीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो डेफिनेटली इसमें आप निवेश कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसमें आप होल्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको और भी थोड़ा जानना है तो देखिए दोस्तों, प्रमोटर की होल्डिंग सबसे बड़ी यहाँ पे मैटर करती है जो कि 73% है, 73 प्रमोटर की होल्डिंग यानी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव संकेत है। और यहाँ पे FIS की होल्डिंग देखिए यहाँ पे बड़ी हुई आपको नजर आएंगी। देखिए दोस्तों, FIS की होल्डिंग देखिए यहाँ पे 0.00 थी, लेकिन एकदम से FIS की होल्डिंग 0.2 यानी कि FIS यहाँ पे होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाया क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे आए। यहाँ पे रिजल्ट देखिए आपने 3 टाइम्स 2018 से देखिए 3 गुना यहाँ पे रिजल्ट हो चुकी है जो कि कंपनी की ग्रोथ है। रिपब्लिक की होल्डिंग देखिए 22% है, DIS की होल्डिंग देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, एकदम कांस्टेंट है, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप निवेश का सोच सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही।